दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं। ये आपको निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में इस प्रकार से नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा महत्व है और इसके साथ साथ यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के पेपरों में और अन्य छोटे छोटे एग्जामों में इससे प्रश्न आते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज भारतीय काव्य शास्त्र का। तो भारतीय काव्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में हम पहला नाम अगर किसी का देखते हैं तो वह कौन है? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि का नाम आता है पहले नंबर पर। भरत मुनि, अगर बात करें भरत मुनि की, तो भरत मुनि जो है, भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रमुख आचार्य माना जाता है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रमुख आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय सती माना है। अगर बात करें कालक्रम की बात करें तो इनका समय कब का था, तो इनका समय जो है दूसरी सती था। कब था? दूसरी सती माना जाता है भरत मुनि का। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना क्या है? नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अगर आपको बता दें, नाट्य शास्त्र को पंचमा वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। और भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रणेता माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र को इन्होंने पंचम वेद कहा। क्या कहा है? पांचवा वेद कहा है। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय है। नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या की बात की जाए तो इसमें कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 5000 श्लोक इसमें विद्यमान है। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। किस रूप में की गई है? वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण 10 दोष तथा 4 अलंकार यमक उपमा रूपक तथा दीपक की मीमांसा की है। इतने अलंकारों को इन्होंने शामिल किया है। नाट्य शास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस भाव का वर्णन किया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि नाट्य शास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में किसकी चर्चा की गई है, तो आपको क्या बताना है? रस और दूसरा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। आपको बता दें, भरत मुनि ने, क्योंकि रसों की संख्या वैसे 11 मानी जाती है, लेकिन मुख्यतः 9 रस हैं। कितने रस हैं? 9 रस हैं। भरत मुनि ने शांत रस को, जो शांत रस है, शांत रस, इसको इन्होंने रस नहीं माना है। रस नहीं माना, इन्होंने कहा शांत रस कोई रस नहीं है। शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है, बाकी सभी को इन्होंने रस मान लिया है। अब बात करते हैं, दूसरे आचार्य हैं भामह। दूसरे आचार्य कौन है? भामह। भामह को जो है भी संस्कृत आचार्यों में महत्वपूर्ण स्थान है इनका। आपको बता दें, आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय 6वीं सदी का पूर्वार्ध निश्चित किया है। 6वीं सदी का पूर्वार्ध निश्चित किया है, मतलब ये जो है 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्पन्न हुए थे। भामह कश्मीर के निवासी थे। भामह कहां के निवासी थे? कश्मीर प्रांत के निवासी थे। तथा इनके पिता का नाम
रक्रील गोमी था। इनके पिता का नाम क्या था? रक्रील गोमी। क्या नाम था? रक्रील गोमी था। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की। भामा ने काव्यालंकार नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें अलंकारों को स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत करने का पूरा प्रयत्न किया। भामा ने काव्यालंकार नामक जो ग्रंथ लिखा जो छह परिच्छेदों में विभक्त है। किसने परिच्छेद है? इसमें छह परिच्छेद है। भामा के काव्यालंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। इसमें निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। पहला, परिच्छेदों की संख्या देखते हैं। इसमें वर्णित विषय वस्तुओं को हम देखते हैं। कौन कौन सी इसमें वर्णित विषय वस्तु है? तो परिच्छेद प्रथम में इसका विषय क्या है? काव्य शास्त्र के साधन लक्षण तथा भेदों का निरूपण किया गया है। द्वितीय एवं तृतीय में अलंकार निरूपण है। चतुर्थ में अगर बात करें तो 10 दोषों का निरूपण है। किसका निरूपण है? 10 दोषों का निरूपण किया गया। जो काव्य के 10 दोष होते हैं उनका इसमें निरूपण किया गया है, मतलब इनका वर्णन किया। पंचम में न्याय विरोधी दोष का निरूपण है। न्याय विरोधी जो दोष होता है उनका निरूपण किया गया है। और खष्ट में क्या किया गया है? शब्द शुद्धि का निरूपण किया गया है। किसका निरूपण किया गया है? शब्द शुद्धि का निरूपण किया गया है। भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? पहला, शब्द तथा अर्थ दोनों का होना। इनका काव्य सिद्धांत था, उसका मानना था कि किसी भी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का होना निश्चित किया जाना चाहिए। भरत मुनि ने दोबारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों को प्रमुख माना। वह कौन कौन है? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, कौन कौन? माधुर्य, ओज तथा प्रसाद गुणों का वर्णन किया है। और इन्होंने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। क्या माना है? सभी अलंकारों का प्राण क्या है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को जो है इन्होंने सभी अलंकारों का प्राण माना है। 10 विध काव्य दोषों का भी इन्होंने निरूपण किया है। रीत को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन करने वाले आचार्यों में शामिल थे। कौन? आचार्य भामह। आचार्य भामह इस तरह के प्रमुख आचार्यों में से एक थे। अब हम चर्चा करते हैं, अगले आचार्य हैं हमारे, उनका नाम लेते हैं। अगले आचार्य हमारे हैं दंडी। कौन से आचार्य हैं? दंडी हैं, आचार्य दंडी। दंडी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पद लालित्य के लिए अगर कोई प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में और संस्कृत साहित्य में, वो दंडी हैं। उपमा के लिए कालिदास। उपमा किसका फेमस है? कालिदास का किसके लिए फेमस थे? उपमा के लिए। और दंडी जो है पदलालित्य के लिए। जबकि भारवी अर्थ गौरव के लिए। किसके लिए? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे ये, जो है इसके लिए प्रसिद्ध थे दंडी। जैसा कि मैंने बताया कि पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? पदलालित्य के लिए फेमस थे। आचार्य दंडी का समय 7वीं सदी स्वीकार किया जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? दक्षिण भारत के निवासी थे। पल्लव नरेश
सिंह विष्णु के सभा में विराजमान थे। पल्लव नरेश, जो पल्लव नरेश थे, पल्लव नरेश सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे। इनका संबंध जो है अलंकार संप्रदाय से है। काव्यादर्श, काव्य का आदर्श नामक महान महनीय ग्रंथ की रचना इन्होंने किया है। काव्यादर्श में चार परिच्छेद हैं। काव्यादर्श में परिच्छेदों की संख्या कितनी है? चार परिच्छेद हैं तथा लगभग 650 श्लोक हैं। मतलब 650 श्लोक हैं। क्या है? 650 श्लोक इसमें हैं। श्लोक की संख्या कितनी है? 650 है। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका प्रमुख संबंध गुण से स्थापित किया। किससे स्थापित किया? गुण से स्थापित किया। दंडी के काव्यादर्श में परिच्छेद निरूपित विषयों की तालिका निम्नलिखित है। इसके जो परिच्छेद हैं उसमें कौन कौन से विषय हैं उसको हम निम्न विषयों में देख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं इसमें चार परिच्छेद हैं। तो परिच्छेद प्रथम में देखिए, वलय कवय लक्षण भेद रीति गुण विवेचन देखने को मिलता है। द्वितीय में अर्थालंकार का निरूपण है। अर्थालंकार वह अलंकार है जिसमें अर्थों से चमत्कार उत्पन्न होता है। वह क्या है? अर्थालंकार। वह क्या है? अर्थालंकार है। तृतीय में शब्दालंकार का निरूपण है। किसका निरूपण है? शब्दालंकार। शब्दालंकार में मुख्य रूप से यमक, श्लेष, यमक, श्लेष और अनुप्रास का स्थान है। जबकि अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उपमा रूपक, उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा प्रमुख अलंकार है। और चतुर्थ में 10 विध काव्य दोषों का विवेचन मिलता है। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन इसमें मिलता है। आचार्य बलदेव दंडी को रीत संप्रदाय का प्रमुख आचार्य मानते हैं। आचार्य बलदेव एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। दंडी को रीत संप्रदाय, इस रीत संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता है रीत संप्रदाय के मार्गदर्शक कौन हैं, तो आप बेशक जो है आचार्य बलदेव का नाम बता सकते हैं। आचार्य बलदेव ही जो है दंड रीत संप्रदाय के मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है बामन। अगले आचार्य हैं चौथे नंबर के, क्योंकि इसमें 24 आचार्य हैं। 24 आचार्यों में चौथे नंबर पर हैं आचार्य बामन। बामन रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। बामन कश्मीर नरेश जयापीड के मंत्री थे। बामन जो आचार्य बामन जो है वह जो है जयापीड, कश्मीर नरेश जो है जयापीड के मंत्री थे। आचार्य बामन ने काव्यालंकार सूत्र की रचना सूत्रों में की तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति लिखी है। काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त हैं। बामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नांकित हैं। क्या हैं? निम्नांकित हैं। वह कौन कौन से हैं? रीत को काव्य की आत्मा मानना। आचार्य बामन जो है रीत का रीत को जो है क्या मानते हैं? काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। दूसरा, गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद
गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। अगला है वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली, इन तीनों रीतियों की कल्पना करना। कितनी रीतियां हैं? तीन रीतियां हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इन तीनों रीतियों की चर्चा इसमें की गई है। दस प्रकार के गुणों को अभय उभयगत मानकर बीस प्रकार के गुणों की कल्पना की है। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना है। इन्होंने वक्रोक्ति को जो है सादृश्य मूलक लक्षणा माना है। समग्र, अगला है समग्र अर्थालंकारों का उपमा प्रपंच मानना इनका प्रमुख लक्षण रहा है। अगले आचार्य हैं आपके, उनका नाम है उद्भट्ट। उद्भट्ट जो है प्रमुख आचार्य हैं उद्भट्ट, ये प्रमुख आचार्य हैं उद्भट्ट। उद्भट्ट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। इनका समय आठवीं सती उत्तरार्ध माना जाता है। इनका समय कब माना जाता है? आठवीं सती का उत्तरार्ध माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीठ का सभा पंडित माना है। आचार्य उद्भट्ट ने काव्यालंकार सार संग्रह, इनके ग्रंथ का नाम था काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकार को आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया है। उद्भट्ट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वे कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। इनके प्रमुख सिद्धांत हैं, अगर बात करें सिद्धांतों की बात करें तो इनके प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन है? अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना, अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना, श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के दो प्रकार, श्लेष तथा अर्थ श्लेष, शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना, दोनों को अर्थालंकार में ही परिगणित करना। तीसरा है अर्थ के दो भेदों की कल्पना। पहला है विचारित सुस्त तथा अविचारित रमणी। काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना, काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना, काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना भी प्रमुख गुण इनका रहा है। क्या है? प्रमुख गुण इनका रहा है। अगला है आपका, अगले आचार्य हैं छठे नंबर के, उनका नाम है रुद्रक। क्या नाम है? रुद्रट। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय नौवीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट की रचना का नाम काव्यालंकार है। इस ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय तथा कुल 734, कितने? 734 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 734 श्लोक हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को चार वर्गों में बांटा है। वास्तव, दूसरा है औपम्य, तीसरा है अतिशय, चौथा है श्लेष। अलंकारों के चार वर्गों में इन्होंने बांटा था। और अगले आचार्य हैं आपके सातवें हैं, जिनका नाम है आनंद वर्धन। अगले हैं आचार्य आपके, उनका नाम है आनंद वर्धन। क्या नाम है? आनंद वर्धन नाम है। आनंद वर्धन जो है, आनंद वर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा, कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था अवंती वर्मा, अवंती वर्मा के सभा पंडित थे तथा इनका नौवीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनका समय जो है नौवीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय, आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक थे? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। किसको? आनंद वर्धन को।
आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। इसमें चार उद्योग हैं जो मूलंत कारिकाएं हैं। किसमें हैं? कारिकाओं में यह विभक्त है। किसमें विभक्त है? कारिकाओं में यह विभक्त है। अगले आचार्य हैं, उनका नाम है अभिनव गुप्त। अगले आचार्य हैं जिनका नाम क्या है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त तथा वे चखुलाक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम विमलका था। इनकी माता का नाम क्या था? अभिनव गुप्त की माता का नाम विमलका तथा पिता का नाम चखुलाक और मूल नाम उनका था नरसिंह गुप्त के नाम से प्रसिद्ध थे। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र कितने, कौन कौन ग्रंथ लिखे? एक लिखा व्याकरण शास्त्र, दूसरा लिखा ध्वनि शास्त्र और तीसरा लिखा उन्होंने नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त भट्ट इंदुराज भट्टोद गुरु को गुरु मानकर किया। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र को अध्ययन प्राप्त करने के लिए नरसिंह गुप्त भट्ट और इंदुराज भट्टोद को गुरु मानकर किया है। अभिनव गुप्त की जो टीकाएं हैं, इन्होंने किन किन चीजों पर टीकाएं लिखी? टीका क्या होती है जान लीजिए। जब हम किसी मूल ग्रंथ को आधार मानकर संक्षिप्त में किसी ग्रंथ को लिखते हैं उसको हम टीका कहते हैं। एक तरह से टीका टिप्पणी, किसी चीज पर बहुत संक्षेप में अपने विचार देने को टीका कहा जाता है। तो इन्होंने इसकी टीका लिखी है। ये क्या है? मूल ग्रंथ नाट्य शास्त्र है और इसके लेखक का नाम है भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं और इस पर जो टीका लिखी गई उसका नाम है अभिनव भारती। अभिनव भारती जो संस्कृत ग्रंथ है, टीका है, वह नाट्य शास्त्र पर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अभिनव गुप्त द्वारा लिखी गई है, जैसा कि उनके नाम के आगे अभिनव शब्द जुड़ा हुआ है। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की रचना है और ध्वन्यालोक पर इन्होंने लोचन नामक एक ग्रंथ टीका की रचना की। क्या नाम है टीका का? लोचन। काव्य कौतुभ भट्टोत की रचना है, इस पर काव्य कौतुभ विवरण नामक एक टीका जो है अभिनव गुप्त द्वारा लिखा गया। अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ रत्न शास्त्र विश्वकोश माना जाता है। इस ग्रंथ को जान लीजिए, तंत्रलोक नामक जो दार्शनिक कृति की रचना इन्होंने किया है उसको जो है रत्न शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। रत्न शास्त्र का इसे विश्वकोश माना जाता है। अगले हैं ग्रंथकार, उनका नाम है कुंतक। कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाए। कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय का, कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय का क्या था? प्रवर्तक था। किसका प्रवर्तक था? वक्रोक्ति संप्रदाय का यह प्रवर्तक था। कौन? ये जो है कुंतक। कुंतक का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। क्या स्वीकार किया जाता है? 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवित चार उन्मेषों में विभक्त है। कारिका एवं वत्री व्रति का सवलित सम्मिलित जो है यह रूप है। अगले हैं धनंजय। कौन है अगले? धनंजय।
धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे तथा इनका समय दसवीं सदी का स्वीकार किया जाता है। और धारा जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने जो है ध्वनि संप्रदाय का विरोध किया है और इन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था दशरूपक नामक ग्रंथ लिखा। धनंजय कृत दशरूपक में चार प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। चार प्रकाशों में विभक्त है और जो है 300 जो है इसमें कारिकाएं हैं। क्या हैं? कारिकाएं हैं। किसमें? ध्वनि संप्रदाय रूपक दशरूपक में। धनंजय के भ्राता धनकी ने दशरूपक की टीका का अवलोक नाम से लिखी है। दशरूप की टीका अवलोक नाम से इनके भ्राता धनिक ने लिखा है। इस पर ये जो है अगले आचार्य थे। अगले आचार्य का नाम है 11वें आचार्य जो है इनका नाम है महीम भट्ट। महीम भट्ट भी कश्मीर के निवासी थे। आप अधिकांश जो है जितने भी आलोचक हैं अधिकांश जो है कहां उत्पन्न माने जा रहे हैं? कश्मीर में। अधिकांश जो है आचार्य कहां के निवासी हैं? कश्मीर के निवासी हैं। सभी तो नहीं बट अधिकांश जो है आचार्य जो है कश्मीर के निवासी हैं। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। महीम भट्ट का समय 11वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महीम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रोड ग्रंथ की रचना की। व्यक्ति विवेक तीन विमर्शों अध्यायों में विभक्त है। अगले आचार्य हैं जो राजा भी थे आचार्य भी थे जिनका नाम है भोजराज। कौन है? भोजराज हैं। भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कांत भरण तथा श्रृंगार प्रकाश, कौन सा? श्रृंगार प्रकाश नामक दो ग्रंथों की रचना की। अगले हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ तथा इनके पिता का नाम कैयट था। मम्मट का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की जिसमें कुल 10 उल्लास माने अध्याय हैं। इसमें जो है 10 उल्लास हैं। छेमेंद्र कश्मीर के निवासी। छेमेंद्र का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। छेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता। किसका प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है? औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक जो है छेमेंद्र है। छेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक है। छेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। छेमेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। छेमेंद्र जो है निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है जिसमें त्रिकंठ भारम, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक, दशावतार चरित्र जैसे ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। अगले आचार्य का नाम है जो है रुयक। 15 नंबर पर है रुयक। रुयक जो है
प्रमुख आचार्य है रुयक। रुयक की बात करें तो यह जो है कश्मीर निवासी रुयक के पिता का नाम राजानक तिलक था। राजानक तिलक ने उद्भट्ट के ग्रंथ उद्भट्ट विवेक नाम से टीका लिखी। रुयक का समय 12वीं सदी का पूर्वार्ध था। ये महाकवि मक्खक के काव्य गुरु थे। रुयक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की है। अगले आचार्य हैं 16वें नंबर के, जिनका नाम है शोभाकार मित्र। अगले आचार्य हैं शोभाकार मित्र। शोभाकार मित्र का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध था। ये कश्मीर के त्रयीश्वर के मित्र के पुत्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर, इन्होंने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। अगले हैं 17वें नंबर के हैं हेमचंद्र। कौन है अगले? हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र की बात करें तो हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। हेमचंद्र के दो शिष्य थे, रामचंद्र तथा गुणचंद्र। रामचंद्र तथा गुणचंद्र हेमचंद के दो शिष्य थे, ने सम्मिलित रूप में नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ कई रचना की। सम्मिलित रूप से इन्होंने जो है एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था नाट्य दर्पण। रामचंद्र को प्रबंध इसकर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है। अगले हैं 18वें नंबर के शारदा तनय। जैसा कि आप जानते हैं कुल 24 आचार्य हैं, 24 आचार्यों में 18वें नंबर पर हैं, उनका नाम क्या है? शारदा तनय। शारदा तनय, तनय माने पुत्र होता है। शारदा तनय का समय 13वीं शताब्दी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है तथा ये कश्मीर के निवासी थे। कहां के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 10 अधिकार अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 10 अधिकार अध्याय हैं। ये भी कश्मीर के निवासी थे। जयदेव की बात करें, जयदेव बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जयदेव का समय भी 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव मिथिला कहां? मिथिला क्षेत्र बिहार में है के निवासी थे तथा इनका समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि के प्रख्याता थे। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। इसमें 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टप श्लोकों की रचना है। 10 मयूखों तथा 35 जो है 35 अनुष्टप जो है अनुष्टुप श्लोकों में इसकी रचना की है। किसका? चंद्रालोक का। अगले है विश्वनाथ कविराज। विश्वनाथ कविराज उड़ीसा के राजा थे। संधि विग्रहक थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ का समय 14वीं सती पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों अध्यायों में साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अगले आचार्य हैं आपके, उनका नाम है विद्याधर। विद्याधर एक ऐसे आचार्य हैं, ने काव्य प्रकाश की
काव्य प्रकाश शैली में एक एकावली नामक ग्रंथ की रचना की। विद्याधर का समय 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। पूर्वार्ध माना जाता है। विधानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनका समय 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इनका समय जो है काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे और इनका समय जो है 16वीं शताब्दी माना जाता है। कब माना जाता है? 16वीं शताब्दी माना जाता है। विधानाथ ने प्रताप रुद्र या सोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 9 प्रकरण है। कितने प्रकरण है? 9 प्रकरणों में इसकी रचना की है। 23वें जो आचार्य हैं वह हैं अप्पय दीक्षित। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। अप्पय जो है शैव दार्शनिक थे, भगवान शिव को मानने वाले एक दार्शनिक थे। कौन? अप्पय दार्शनिक थे। और इनका समय जो है 16वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्तिक चित्रम ईशा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की। अगले और अंतिम आचार्य हैं संस्कृत दर्शन के। इसमें आपके आचार्यों में अंतिम जो आचार्य हैं उनका नाम है पंडित राज जगन्नाथ जात्या आंध्र प्रदेश आंध्र ब्राह्मण थे तथा पैद भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर, इनके ग्रंथ का नाम था, ग्रंथ क्या था इनका? रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था